हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टैग राइड टुगेदर। दोस्तों, होप सो आपने मेरी लास्ट दो वीडियो देख ली होगी। अगर नहीं भी देखी है तो आप पहले उसको देख लेना, फिर इस वीडियो पे आना, राइट? तो हमने क्या क्या अब तक देखा लास्ट दो वीडियो में, वो एक बार देख लेते हैं, क्योंकि उससे रिलेवेंट ही ये वीडियो रहेगा। पहले हमने देखा कि कंट्रोलर से व्यू में मॉडल कैसे पास करते हैं, राइट? उसके बाद हमने देखा था व्यू डेटा, व्यू बैग एंड टेम्प डेटा। इन तीनों का यूज करके हम कंट्रोलर से व्यू में डेटा कैसे पास कर सकते हैं, राइट? अब आज हम बात करने वाले हैं व्यू मॉडल। तो दोस्तों, हमने मॉडल तो सुना था, व्यू मॉडल क्या है, राइट? तो इसको समझने के लिए हम हमारे कोड में पहले चले जाते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट कंट्रोलर में चले जाते हैं और देखते हैं कि हमने एक तो इंडेक्स मेथड बनाया था और एक डिटेल्स मेथड, राइट? तो हमारा फोकस अभी डिटेल्स मेथड है। क्यों है वो आपको अभी समझ में आ जाएगा। मैं इसको रन करता हूँ एप्लीकेशन को। डिटेल्स पेज पे चले जाते हैं, प्रोडक्ट डिटेल्स, और उसमें टू नंबर का आईडी, राइट? दोस्तों, यहाँ पर ये प्रोडक्ट डिटेल्स पेज है, राइट? अब यहाँ पर आप प्रोडक्ट्स की डिटेल देख पा रहे हो, राइट? अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ प्रोडक्ट की डिटेल्स जो आ रही है उसके नीचे सिमिलर प्रोडक्ट्स का एक टैब आ जाए। मतलब जो प्रोडक्ट डिटेल, ये जो टेस्ट प्रोडक्ट को डिस्प्ले हो रहा हो उसके सिमिलर, मतलब सेम कैटेगरी के दूसरी प्रोडक्ट यहाँ नीचे डिस्प्ले हो, या कोई और फीचर क्राइटेरिया हो जिसकी वजह से यहाँ पर प्रोडक्ट लिस्ट, सिमिलर प्रोडक्ट लिस्ट आ जाए, राइट? बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक बॉक्स है, फॉर एग्जांपल ये हमारा पेज है, राइट? तो ऊपर का जो पार्ट है उस पे क्या है अभी, प्रोडक्ट डिटेल, राइट? और नीचे जो है उस पर मैं चाहता हूँ कि सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स डिस्प्ले हो, राइट? उसकी लिस्ट तो हो सकता है कि उस पर ऐसा मल्टीपल लिस्ट, मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऐसे इस तरीके से दिख रहे हो, राइट? तो इस तरीके से मैं अगर व्यू चाहता हूँ, राइट? अभी हमारे जो कोडिंग है प्रोडक्ट कंट्रोलर में डिटेल्स एक्शन मेथड के अंदर, तो हम क्या कर रहे हैं, व्यू के अंदर जो हमको प्रोडक्ट डिस्प्ले करना है वो प्रोडक्ट पास कर रहे हैं, उसका मॉडल पास कर रहे हैं। कौन सा मॉडल? प्रोडक्ट मॉडल पास हो रहा है, राइट? प्रोडक्ट मॉडल पास हो रहा है। हम व्यू में भी जाएंगे तो हमें यहाँ प्रोडक्ट मॉडल दिख रहा है, राइट? अब अगर हमारी कंडीशन ये है कि हमें यहाँ पर ये सिमिलर प्रोडक्ट्स भी, उसकी लिस्ट भी पास करनी है, तो कैसे पास करेंगे, राइट? अभी यहाँ पर जो है उस तरीके से तो पास नहीं कर पाएंगे, यहाँ तो अभी प्रोडक्ट मॉडल ही पास कर पा रहे हैं, राइट? तो उसी का सॉल्यूशन है व्यू मॉडल। क्या है उसका सॉल्यूशन? व्यू मॉडल। व्यू मॉडल क्या क्या मीनिंग है दोस्तों, अगर हमें एक से ज्यादा मॉडल्स में से डेटा पास करना है कंट्रोलर टू व्यू, तो हम व्यू मॉडल का यूज कर सकते हैं। तो व्यू मॉडल भी क्लास ही होता है, पर उसमें हम मल्टीपल मॉडल्स कंबाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर अभी क्या जो हमारा केस है वो ले, तो पब्लिक क्लास प्रोडक्ट ऑलरेडी डिफाइंड है, राइट? उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज है, अभी मैं शॉर्ट में यहाँ लिख रहा हूँ, कोड में हम ऑलरेडी लिखने वाले हैं, राइट? आईडी, स्ट्रिंग, डिस्क्रिप्शन, राइट? और तीसरा क्या था, नेम, प्रोडक्ट नेम तो रहेगा, राइट? प्रोडक्ट नेम।
अब ये तीन फील्ड तो हमने ऑलरेडी प्रोडक्ट मॉडल में ली हुई है, पर अब मैं चाहता हूँ कि हम सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स भी हमारे व्यू में पास करें, राइट? तो उस केस में हमें क्या एक व्यू मॉडल बनाना रहेगा, तो यहाँ क्या मैं एक क्लास बनाता हूँ पीएम प्रोडक्ट व्यू मॉडल, राइट? उसके अंदर हम क्या क्या प्रॉपर्टी रख सकते हैं, ये तीन तो रखेंगे ही रखेंगे, रीजन बिंग ये तो हमें डिस्प्ले करना ही है ऊपर प्रोडक्ट डिटेल के लिए, पर इसके साथ साथ हम यहाँ पर लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट भी पास करेंगे, एलएसटी सिमिलर काइंड प्रोडक्ट्स, राइट? तो ये जो व्यू मॉडल है वो हम यहाँ पर पास करेंगे और डिटेल्स के अंदर यहाँ पर एक्सेस करेंगे, राइट? तो इस तो इसको हम अब कोड करके देखते हैं, राइट? तो सबसे पहले तो हमारा जो प्रोडक्ट मॉडल है वहां पर हम चले जाते हैं, तो मैं यहाँ पर बनाता हूँ पब्लिक का क्लास प्रोडक्ट पीएम, राइट? ये तीन तो हमें लेने ही अभी, राइट? तो मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ, अब क्या रहेगा पब्लिक लिस्ट प्रोडक्ट एलएसटी सिमिलर, आपने अमेजोन फ्लिपकार्ट ये सब वेबसाइट पे देखा होगा, राइट? प्रोडक्ट ऊपर डिस्प्ले कर रहे हैं, नीचे हम सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट डिस्प्ले हुए होता, नीचे सिमिलर प्रोडक्ट्स आपने डिस्प्ले देखे होंगे, राइट? अब ये हो गया यहाँ पर, अब हमें पास भी करना है, राइट? तो कैसे करेंगे, ये तो प्रोडक्ट डिटेल्स आ गए, अब मैं यहाँ एक और लिस्ट बना लेता हूँ, क्योंकि हम डेटाबेस या कहीं से लेके नहीं आ रहे, स्टैटिक डेटा पास कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर एक नई लिस्ट बना रहे हैं सिमिलर प्रोडक्ट्स की, राइट? इसमें यहाँ से मैं अभी कॉपी कर लेता हूँ और डेटा फिर मॉडिफाई कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आईडी 3 या 4 या 3 या 4 3 4, राइट? और इसका नाम दे देते हैं सिमिलर प्रोडक्ट्स, राइट? तो ये सिमिलर प्रोडक्ट्स हमने बना लिए, अब जो यहाँ पर हम प्रोडक्ट मॉडल हमने बनाया उसमें से हम क्या करते हैं व्यू मॉडल बना लेते हैं, राइट? अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, क्योंकि हमें प्रोडक्ट वीएम बनाना है प्रोडक्ट से, राइट? मैं क्या करता हूँ यहाँ पर इंटीजर आईडी, सॉरी प्रोडक्ट मॉडल ही यहाँ हम पास करेंगे, राइट? यहाँ पर आईडी इक्वल टू प्रोडक्ट डॉट आईडी, राइट? नेम इक्वल टू
प्रोडक्ट डॉट नेम, डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, राइट। और क्या चाहिए हमको, लिस्ट ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट्स, राइट, तो वो भी हम पास कर देते हैं। ये हमारा रेडी हो गया प्रोडक्ट वीआर, राइट। अब यहाँ पर कंट्रोलर में भी हमें चाहिए, राइट। मैं क्या करूँगा, प्रोडक्ट वीएम का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, न्यू प्रोडक्ट वीएम, राइट। उसके पास क्या करना है, प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट जो उसके ऊपर जस्ट हमने फेच किया है लिस्ट में से, राइट। ये एरर दे रहा है, देयर इज नॉट योर दैट कम्स दिस। यहाँ पर एक और भी पैरामीटर है हमारा, ये जो हमने सिमिलर प्रोडक्ट्स बनाए ये भी तो हमें पास करना ही है, राइट। दोस्तों यहाँ पर हमने प्रोडक्ट वीएम ऑब्जेक्ट तो बना लिया है, राइट। अब इसको पास भी तो करना है, राइट। ये हमने पास कर लिया है यहाँ पर। अब व्यू पे चले जाते हैं, राइट। प्रोडक्ट सबसे पहले यहाँ पर चेंज क्या आएगा, प्रोडक्ट वीएम, राइट। अब प्रोडक्ट वीएम हमारा यहाँ पर मॉडल है, राइट। तो प्रोडक्ट डॉट वीएम डॉट आईडी है प्रॉपर्टी, देख लेते हैं, है उसमें आईडी प्रॉपर्टी, नेम भी है, डिस्क्रिप्शन है, तो इसमें इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, राइट। ये एज इट इज रहेगा, बट अब हमें इसमें से सिमिलर प्रोडक्ट्स फैच करनी है, राइट। मैं क्या करूंगा, फॉर इच वेयर प्रोडक्ट इन मॉडल डॉट सिमिलर प्रोडक्ट्स, राइट। क्योंकि हमारा जो रिकॉर्ड्स है इसके अंदर है सिमिलर प्रोडक्ट्स के, राइट। ये जो है प्रोडक्ट वीएम है, प्रोडक्ट वीएम डॉट सिमिलर प्रोडक्ट्स, राइट। तो ये हमने फेच कर लिया। अब हम यहाँ पर लिस्ट दिखा सकते हैं, राइट। मैं क्या करता हूँ, यहाँ टेबल ले लेता हूँ। दोस्तों हम डिजाइनिंग पे अभी नहीं जाएंगे, हमें मेन फोकस है कि कैसे हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, राइट। यहाँ टी बॉडी भी लिख देते हैं, इसको लूप के बाहर या नीचे भी लिख लेते हैं, स्लैश टी बॉडी, राइट। अब बीच में क्या रहेगा, टी आर, तो सबसे पहली रो में हम डिस्प्ले करते हैं प्रोडक्ट टाइटल, राइट। और यहाँ पर हम सबसे पहले सिमिलर प्रोडक्ट ये हेडिंग दे देते हैं, राइट। तो यहाँ जो डिस्प्ले हो रहा है वो सिमिलर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट डॉट टाइप नेम, राइट। दूसरा डिस्प्ले करते हैं प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, राइट। आंसर है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। तो अभी ये दो चीज हम यहाँ पर डिस्प्ले कर लेते हैं, राइट। रन करते हैं हमारी एप्लीकेशन और देखते हैं कि भाई डेटा डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं। प्रोडक्ट डिटेल्स टू, तो ऊपर यहाँ पर ये प्रोडक्ट की डिटेल आ रही है और नीचे प्रोडक्ट्स आ रही है, राइट। सिमिलर प्रोडक्ट्स, तो दो प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट थ्री, प्रोडक्ट फोर, राइट। तो ये तो हो गया सिंपल सा व्यू मॉडल, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं, सिंपल चीज है। अब दोस्तों दूसरी और चीज देख लेते हैं कि ये तो एक यूज केस हुआ,
और क्या यूज केस हो सकता है? अब सोचो यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट क्लास है उसमें डेट टाइम भी है, फॉर एग्जाम्पल क्रिएटेड ऑन, राइट, क्रिएटेड ऑन डेट टाइम भी है ये, पर ये जो डेट टाइम ऑब्जेक्ट है ये तो डेटाबेस से रिलेवेंट जो भी डेट टाइम ऑब्जेक्ट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। अब हमें जो डिस्प्ले करना है पोर्टल पे वो फॉर्मेट ही अलग है, उसका डेट टाइम ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं, वो एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग है, राइट, क्योंकि डेटाबेस में स्पेसिफिक फॉर्मेट में डेट टाइम स्टोर होता है, राइट। अब जब हम कोड में फैच करते हैं इस हिसाब से तो उसमें डेट टाइम ऑब्जेक्ट रहता है, बट जब हम डिस्प्ले करते हैं तब वो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग होती है। तो मैं क्या करता हूँ कि ये डेट टाइम ऑब्जेक्ट यहाँ ना लेके यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉर्मेटेड क्रिएटेड ऑन, राइट। तो यहाँ पर जो डेट होगी वो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग होगी, राइट। तो देखते हैं आप ये भी दोस्तों प्रोडक्ट मॉडल में चले जाते हैं, यहाँ पर पब्लिक डेट टाइम क्रिएटेड ऑन गेट सेट, राइट। तो सेम चीज यहाँ पर हम क्या लेते हैं, स्ट्रिंग लेंगे फॉर्मेटेड क्रिएटेड ऑन राइट। अब हमें यहाँ पर जब प्रोडक्ट वीएम बना रहे हैं तब हमें यहाँ से फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी, राइट। तो वो फॉर्मेटिंग भी करते हैं यहाँ पर इसके साथ फॉर्मेटेड क्रिएटेड ऑन प्रोडक्ट डॉट क्रिएटेड ऑन टू स्ट्रिंग करके जो मेथड है हमारी उसके अंदर हम फॉर्मेट प्रोवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जो लिस्ट ऑफ फॉर्मेट्स अवेलेबल है उसमें से एक ये वाला फॉर्मेट ले लेते हैं, मंथ एब्रीविएटेड, और ये फुल मंथ आ रहा है तो ये लेते हैं, फिर डीडी ये फॉर्मेट ले लेते हैं दोस्तों, मतलब फुल मंथ आएगा फिर डेट आएगी फिर ईयर आएगा, राइट। ये फॉर्मेट अब हमारे कंट्रोलर में चले जाते हैं। कंट्रोलर में यहाँ पर जो डेट टाइम है यहाँ पर हमने स्पेसिफाई नहीं करी है, हम ऐड कर देते हैं। यहाँ पर मैं डेट टाइम दे देता हूँ डॉट नाउ डॉट करंट जो टाइम है उसे 10 दिन पीछे की डेट दे देता हूँ, एड डेज यहाँ पर -1 दे देता हूँ और -10 दे देता हूँ, मतलब 10 दिन पहले की डेट, मेरे को मतलब स्पेसिफिक डेट टाइप ना करनी पड़े इसलिए मैं ये लिख रहा हूँ अभी, राइट। यहाँ पर 25 कर देता हूँ, यहाँ पर 5 कर देता हूँ, यहाँ पर 3 कर देता हूँ, राइट। इस तरीके से मैंने ये कर दिया। अब व्यू के अंदर जाके हम वो डेट को भी डिस्प्ले कर देते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर H1 क्रिएटेड डेट, क्रिएटेड डेट बोलो या पब्लिश डेट। अब यहाँ पर क्या करेंगे, मॉडल डॉट क्या आएगा, फॉर्मेटेड क्रिएटेड ऑन, राइट। तो फॉर्मेटेड डेट आएगी, मैं यहाँ डिबग करके आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर क्रिएटेड ऑन डेट क्या आ रही है और जब हम डिस्प्ले कर रहे हैं तब क्या आ रहा है। डिटेल्स
डिटेल्स में यहाँ पे ब्रेक पॉइंट रख लेता हूँ, राइट। डिटेल्स टू, राइट। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट पे चले जाते हैं, प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट। तो क्रिएटेड ऑन जो डेट है ये इस तरीके से अभी दिखा रहा है, और इसको भी अगर हम टू स्ट्रिंग करें डॉट क्रिएटेड ऑन टू स्ट्रिंग, अगर हम कुछ फॉर्मेटिंग भी नहीं करते तो वो बाय डिफॉल्ट क्या दिखाता है, तो ये फॉर्मेट दिखा रहा है, राइट। पर हमको जो अभी फॉर्मेट डिस्प्ले करना है वो अलग फॉर्मेट है, राइट। कर लेते हैं, अब प्रोडक्ट वीएम भी बन गया हमारा। तो प्रोडक्ट वीएम के अंदर फॉर्मेटेड क्रिएटेड ऑन डेट जो दिख रही है हमारी वो कैसी दिख रही है, August 11, 2024। तो ये डेट हम डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, राइट। राइट, यहाँ पर आ गया August 11, 2024। तो दो चीजें हमने यहाँ पर सीखी व्यू मॉडल के, दो दो यूज केस देखे। एक तो हमें मतलब मल्टीपल मॉडल्स पास करने हैं कंट्रोलर से व्यू उस केस में, और अगर हमें कुछ फॉर्मेटिंग करनी है डेटा पे और एक्चुअल जो एक्चुअल हमारा मॉडल है उसके अंदर जो रिप्रेजेंटेशन है और जो हम डिस्प्ले करना चाहते हैं पोर्टल पे वो रिप्रेजेंटेशन अलग है, उस केस में भी व्यू मॉडल यूज कर सकते हैं, राइट। तो वो है, और इसके अलावा एक तीसरा पॉइंट भी है। फॉर एग्जांपल क्लास है, फॉर एग्जांपल क्लास यूजर, राइट, उसमें इंटीजर आईडी है, राइट, गेट सेट भी है, और मैं लिंक लिख रहा हूँ पब्लिक स्ट्रिंग यूजर नेम और दूसरे कुछ और प्रॉपर्टीज है, राइट। अब दोस्तों आप सोचो, अगर मैं यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट डेटाबेस से फिलअप करता हूँ, कंट्रोलर से व्यू में पास करता हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिक्योरिटी ब्रीच कर रहा हूँ, मैं पासवर्ड को भी व्यू में पास कर रहा हूँ, राइट। नॉर्मली तो हम पासवर्ड वहाँ पर डिस्प्ले नहीं करेंगे, पर हमारा मॉडल व्यू में पास हो रहा है तो वो एक सिक्योरिटी ब्रीच भी है। तो इसी वजह से हमको इस केस में भी मतलब व्यू मॉडल यूज करना चाहिए, राइट। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही करते हैं, होप सो आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय, टेक केयर।